भाजपने मोटो झटको लाग्यो छे। पेटा चूंटणीओमां करणपुर बैठक परथी कोंग्रेसनी जीत थई छे। भाजपना उम्मीदवार सुरेन्द्रपाल सिंह के जे अहींयाथी चूंटणी लड़ी रह्या हता तेमनी हार थई छे। कोंग्रेस उम्मीदवारे 12,570 वोटथी एक मंत्रीने हरावी दीधा छे। कारण के आ बैठक पर चूंटणीओना परिणामो नहोता आव्या ए पहेला ज भाजपे पोताना उम्मीदवार सुरेन्द्रपाल सिंहने मंत्री बनावी दीधा हता अने ए ज बनावेला मंत्रीनी हार थई छे। भाजपे सुरेन्द्रपाल सिंह ने धारासभ्य पहला ज मंत्री बनावी दीधा हता। भाजप ने जनताए पाठ भणाव्यो होवानुं अशोक गहलोत द्वारा निवेदन सामे आव्युं छे। जनताए भाजपना अभिमान ने हराव्यो होवानुं पण अशोक गहलोत द्वारा कहेवामां आव्युं छे। देवनाथ पांडे वधु जानकारी साथे जोड़ाया छे। देवनाथ, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में मिल रही है और जब मंत्री बन चुके हैं लेकिन वो हार गए हैं तो आगे की प्रोसेस क्या होती है? देखिए दिव्या, बिल्कुल साफ तौर से ये ऐसे वक्त में ये निर्णय निकलकर सामने आया है जब अब से कुछ दिन पहले ही राजस्थान में नई नवेली बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनते ही अगर बीजेपी को इस विधानसभा सीट से यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर के करणी विधानसभा सीट से सुरेंद्रपाल जो राजस्थान सरकार में अभी नए नए मंत्री भी बनाए गए थे तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठ रहा है, वो भी खासतौर से राजस्थान को लेकर। इससे पहले भी जब कल काउंटिंग से पहले ये चर्चा हो रही थी तो साफ तौर से इस बात की भी सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही थी कि इस बार बीजेपी को करारा झटका इस सीट पर लग सकता है और वही आज जब काउंटिंग हुआ उसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, कांग्रेस पार्टी को इसमें जीत मिली है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी को जीत मिली है करणी सीट से, लगातार देखने को मिल रहा है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे बीजेपी के घमंड को साफ तौर से बता रहे हैं कि जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है कि जो बीजेपी राजस्थान में इतनी प्रचंड बहुमत से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है, वही बीजेपी जब 5 जनवरी को मतदान होता है एक विधानसभा सीट के लिए तो इस तरह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं से अंदर खाने की भी बात निकलकर सामने आ रही है कि अंदर कलह बीजेपी के अंदर चुनाव के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रत्याशी यानी सुरेंद्रपाल सिंह को जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा है तो ये अब जो इनका पद है, जिस मंत्री का पद है, तो क्या इनका पद बना रहता है या फिर बीजेपी इस मामले में कोई बदलाव कर सकती है, ये देखना बड़ा अहम होगा। क्योंकि हारे हुए प्रत्याशी को मंत्रालय देना कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिलता है, ऐसा ज्यादातर मामलों में देखने को मिलता है कि पद से हटा दिया जाता है। लेकिन सुरेंद्रपाल सिंह के केस में क्या होगा ये बीजेपी के जो आलाकमान नेता है वो तय करेंगे। बहरहाल कांग्रेस खेमे में अब खुशी की लहर देखने को मिली है कि जो मोदी लहर, जिस मोदी लहर की बात हो रही थी, उस मोदी लहर के तुरंत बाद जब मतदान होता है और कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कराते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के श्रेष्ठ नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है राजस्थान में। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।